गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और अभी बज रहे सुबह का 10 और ब्रेकफास्ट के बाद मैं फ़ोन लेके बैठ गई हूँ। एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने और सुमन अभी मार्केट से आया है और लेके आया है थोड़ा सा मटन, थोड़ा सा क्योंकि मैं बोल देती हूँ मम्मी और पापा दोनों को ही मना है मटन खाने का। तो मम्मी तो चिकन नहीं खाता है, थोड़ा बहुत मटन ही खाता है, तो इसलिए वो थोड़ा करके लाता है। तो मैं भी वही बनाऊँगी और सुमन घर का भी कुछ काम कर रहा है। एक ही दिन होता है संडे जो वो घर के तरफ कुछ देख सके, पूरा हफ्ता तो बिजी होता है ऑफिस में, तो इसीलिए आज का दिन में कुछ काम तो रह जाता है घर में कुछ ना कुछ। तो चलिए पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, चिकन हो मटन हो या फिर फिश एक जो भी हो, मैं पपीता ज़रूर देती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद है। तो इस बड़ा बड़ा साइज़ में मैंने काट लिया है पपीता, आलू, प्याज, टमाटर और ये रहा थोड़ा सा मटन। और इधर मैंने ये पेस्ट भी बना लिया है और मैं ये कुकर में बनाऊंगी अभी। तो चलिए बना लेती हूँ। हम लोगों के घर के पीछे जो गार्डन है उधर मैं बहुत ही कम आती हूँ, तो आज आके मैं देख रही हूँ बाबा ने ये सब कर दिया है। बहुत दिन बाद मैं इधर आई हूँ इस वाले गार्डन में। तो ये है लौकी, तो ये ना बहुत बड़ा होता है तो इसलिए इसको सपोर्ट के लिए ये वाला बनाया है। तो लौकी भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो जब होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये ऊपर से अभी बहुत सारा फैल गया है और इधर है ये वाला, क्या है बापरे कत बड़ा बड़ा लंका हो। ये हरी मिर्च का पेड़ है, एक ही नहीं है बहुत सारा है पर। और इधर है एक पुई शाक, आप लोगों को पता है या नहीं? बहुत लोगों को पता होगा पुई शाक क्या होता है पर मुझे एकदम भी पसंद नहीं पुई शाक खाना। कद्दू के साथ ये बनाया जाता है, कद्दू आलू देकर बहुत लोग खाते हैं पर मुझे अच्छा नहीं। ये पूरा ऐसे करके घेर लिया है इस पेड़ को, अंदर अंदर तक ये है ये वाला। तो मेरा अभी खाना बनाना कंप्लीट हो गया है और अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया और मेरा जो पीछे वाला गार्डन है उधर का जो एक छोटा सा टोर और सामने भी एक गार्डन है, ये जो गार्डन है वो तो बहुत बड़ा, आप लोगों से मैंने शेयर किया है वो सब फूल है और इधर सब सब्जी है। तो दो तरह का गार्डन है हम लोगों के घर में। और अभी ना मैं अपने घर में फ़ोन किया था, घर में फ़ोन करने से आधा एक घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, आधा घंटा तो मिनिमम होता है बात करना हम लोगों का। और अभी जो स्पेशल बातें होता है ना वो है राखी का, क्योंकि राखी आ रहा है भैया के लिए, क्या शॉपिंग करूँ क्या खरीदूँ वही हम लोग के बीच अभी चल रहा था। तो ये बातें करते करते आधा घंटा हो गया है बातें करते, तो अभी बहुत टाइम हो गया, एक भी बज गया है, तो इसलिए मुझे भूख भी लगी है। सुमन आएगा अभी, अभी हम लोग लंच करेंगे तो चलिए। मटन बहुत ही टेस्टी हुआ था खाने में, है ना सुमन? सच बोलो। नहीं, आज बहुत ही टेस्टी हुआ था। और अभी ये काट रहा है ये मौसमी जो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं, मुझे सिर्फ पसंद है तो एप्पल।
मुझे मौसम्बी खाना क्यों पसंद नहीं, मैं आप लोगों को आज बोलती हूँ। बचपन में जब भी मुझे बुखार आता था ना, तो मम्मी हर वक्त मौसम्बी लेके खड़ा हो जाता था कि ये खाना पड़ेगा, और बुखार के टाइम में कुछ भी खाना पसंद नहीं होता, तो मौसम्बी कैसे खाए। तो मेरे बड़ी जी, जो बड़ी सिस्टर, मम्मी सब फ्रूट्स लेके खड़ा हो जाता था, और उसमें मस्ट रहता था मौसम्बी, जो कि तब से मुझे पसंद नहीं, तो अभी तक मुझे ये खाना एकदम भी पसंद नहीं, पर खाना अच्छा होता है। तो चलिए शाम को मिलती हूँ। तो सोना तो नहीं हुआ हम लोगों का, और अभी हो रहा है बाहर जोरों से बारिश, और बारिश के मौसम में सुमन खा रहा है अपना खाना। ये है चनाचूर, और मैं खा रही हूँ अपना खाना। इसमें है को तू सब शेष कर दिली की बात है तुझे कोई इधर मजा नहीं। तो अभी 2 घंटे से बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश रुकने का कोई नाम नहीं है। सुमन ने बोला था कि दोपहर को निकल जाते हैं हम लोग, 3 बज रहा था तब, तो मैंने बोला नहीं अभी इतना जल्दी नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करके जाऊंगी, पर पता नहीं था बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो एक बार सो रही हूँ, एक बार उठ रही हूँ, ऐसे करके टाइम पास कर रही हूँ। संडे ऐसे करके जाएगा हम लोगों का, मुझे पता नहीं था। सुबह से बहुत सारा प्लानिंग किया था हम लोगों ने। बिग बजट में चल रहा है 10 to 15 अगस्त तक बिग महाबजट सेल, तो वही सोचा था कि क्या सेल है, देख के आती हूँ, पर पता नहीं जा सकूँगी या नहीं। आई थिंक हो जाएगा, बारिश रुक जाएगा ना। तो अभी मैं आप लोगों का बाहर का विदा दिखाती हूँ। पूरा अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा बारिश रुका है, पर ये रुकने वाला बारिश नहीं है लग रहा है, क्योंकि पूरा बादल छाया हुआ है अभी तक। बारिश कम होने के कारण हम लोग घर से निकले, पर बिग बाजार में आके मैं फोन बाहर तक नहीं निकल पाई, इतना भीड़ सेल के चलते। बिलिंग एरिया में बहुत भीड़ था, तो हम लोगों को कुछ खरीदना भी नहीं हुआ, मतलब इतना भी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, तो कुछ भी हम लोगों को खरीदना भी नहीं हुआ। तो चलिए अभी घर चलते हैं। আমি দেখেছি, আমি ভিডিও করছি, আমি দেখেছি, কিন্তু তুমি দেখো। You
तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और बिग बाजार से मैंने एक ही चीज़ लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो। और हम लोग गए थे मामड़ा बाजार। मामड़ा बाजार बोल के एक बाजार है जहाँ पर सस्ता मिलता है सब्जी, बहुत सारा सब्जी मैंने आप लोगों को दिखाया, कितना वैरायटी था सब्जी का। तो कुछ सब्जी हम लोगों ने लिया है और बहुत कम दाम में मिलता है, तो सब लोग नहीं पहचानोगे मामड़ा बाजार, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो मैंने भैया के लिए एक शूज लिया है राखी गिफ्ट, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला शूज लिया है भैया के लिए, मुझे बहुत पसंद आया ये। कुछ ऑफर था 30% जैसा ऑफ, ये लिया है 800, अच्छा है ना, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया, ये वाला डिज़ाइन जो है स्पेशली ये बहुत पसंद आया, तो ये वाला। फिर मैंने वार्डरोब खुला रख दिया है, तो ये वाला कैसा लगा, अच्छा लगेगा भैया को, तो खरीदना बोल के सिर्फ यही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। तो कल है सावन का लास्ट सोमवार और हो सकता है मैं अपने मायके जाऊँ, तो अगर मैं अपने मायके जाऊँ तो दो तीन दिन कोई वीडियो नहीं जाएगा, एकदम मैं राखी के बाद ही वीडियो डालूंगी, पर पूरा कंफर्म नहीं हूँ, अभी देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करूँगी, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।